हाँ जी दोस्तों, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में पढ़ा था एमपी माइनस, यानी सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि सर इसको इसको बहुत ज्यादा गहराई से क्या कर लेना, सर जीके पीएल कर लेना। किसको? ठीक है, याद आ गई बात है सारी। एंटीसिपेटरी एक्चुअल, दो एंटीसिपेटरी टू एक्चुअल, सबसे इंपॉर्टेंट सदमा, क्योंकि सदमे में क्या लगेगा सर? हाँ, यानी कि 56। ठीक है, राइट। फिर एक्चुअल में सेक्शन 55 है ना। फिर हमने पढ़ा सर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा सर? एमपी माइनस सीपी। एमपी बोले तो और सीपी बोले तो ठीक है। ये क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। स्पेशल रिमोट डैमेजेस अलाउ नहीं होते, याद आ गई बात। स्पेशल डैमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सेक्शन 73 हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल। इंपॉर्टेंट बात क्या स्पेशल डैमेजेस में, जो ब्लैक कलर से नोट्स में हाईलाइट कर रखी है। नहीं, सेक्शन याद मत करना चाहे ये नहीं, नोटिस पहले से देना अनिवार्य होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था डिले डिलीवरी, फिर हमने पढ़ा था ब्रेकअप के डैमेजेस मिलते, पर शादी टूटने के डैमेजेस मिलते हैं, है कि नहीं बात, राइट। अब एग्जेम्पलरी में क्या होता है? एग्जेम्पलरी में एक शादी टूटने के और एक बैंक अगर चेक डिसऑनर करता है तो किसमें बेइज्जती ज्यादा होती है, एक छोटे अमाउंट में बड़े अमाउंट में? नॉमिनल बहुत नाम के, एक ढक्कन के, है कि नहीं बात, राइट। और डेटोरेशन मतलब डिले या डेप्रिसिएशन के, है ना। अब आते हैं आज की इंपॉर्टेंट बात और फिर एमसीक्यू करेंगे बहुत ही शानदार। प्रीफिक्स डैमेजेस समझना ध्यान से। प्रीफिक्स डैमेजेस सर वो डैमेजेस होते हैं जो पहले से ही किसमें लिखे होते हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं सर। जैसे कि अगर तुमने भैया इंस्टीट्यूट का फॉर्म लेट भरा तो इंस्टीट्यूट वाले तुमसे क्या कह रहे हैं? इंस्टीट्यूट वाले तुमसे कह रहे हैं कि भैया फॉर्म लेट भरा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और है ना, लेट भर दो लेकिन पैसे एक्स्ट्रा लेंगे। अच्छा, वो कितने पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा? मान लो 31 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, मैं पहुंचा 10 तारीख को अगले महीने की, तो कितने पैसे लेंगे एक्स्ट्रा? है ना, 500 रुपये शायद ऐसे कुछ एक्स्ट्रा लेंगे ना, 500 हज़ार जो भी लेंगे। उन्हें बोलते हैं प्रीफिक्स डैमेजेस। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स डैमेजेस, यानी कि वो डैमेजेस जो पहले से फिक्स्ड हैं। प्रीफिक्स्ड, जैसा नाम वैसा काम, समझ गए ना। यानी कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया, क्या लिख दिया? प्रीफिक्स डैमेजेस, है ना, कि कितना पैसा तुम्हें देना है अगर तुमने धोखाधड़ी करी, राइट। अब प्रीफिक्स डैमेजेस में भी दो तरह की चीज आती है, बहुत ध्यान समझेंगे। एक होता है लिक्विडिटी डैमेजेस, है ना, और एक होता है पेनल्टी। एक होता है लिक्विडिटी और एक पेनल्टी। लिक्विडिटी मतलब होता है ये मैंने पहले से बता दिया कि भैया देखो तुम्हारे ये काम ना करने पर हमें इतना लॉस हो सकता है तो तुम्हें इतना हर्जाना देना पड़ेगा। तो रीजनेबल क्या होता है सर? वो रीजनेबल होता है कि भैया देखो इतना हमारा लॉस हो सकता है, इतना तुम्हें देना पड़ेगा अगर तुमने लेट डिलीवरी करी, तुमने लेट पैसा दिया, है ना, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिले किया, है ना, बात समझ में आ गई ना, राइट। पेनल्टी का मतलब सुने ध्यान से, पेनल्टी का मतलब होता है जबरदस्ती किसी से कुछ ज्यादा अमाउंट लेना। तो जज साहब ने बोला पेनल्टी का मतलब होता है, पेनल्टी मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, है ना। एक तो भैया डैमेजेस तो ये आते हैं, चलो भाई ठीक है एमपी माइनस सीपी टाइप का होगा तो वो लिक्विडेटेड होते हैं। लेकिन पेनल्टी का मतलब क्या होता है कि कोई बड़ा अपराध हुआ होगा, कोई रूल तोड़ा होगा, या कोई बड़ी चीजों को लेकर मुझे हर्जाना देना पड़ेगा, है कि नहीं बात। तो जज साहब ने बोला पेनल्टी की अगर डेफिनेशन बताऊं तो पेनल्टी मतलब क्या होता है? पेनल्टी मतलब होता है आर्बिट्रेली फिक्स्ड अमाउंट एज द डैमेजेस। आर्बिट्रेली मतलब कुछ भी, ये वाला डायलॉग लगेगा, है ना, है कि नहीं बात। आर्बिट्रेली मतलब कुछ भी। जज साहब को ये बात बिल्कुल गलत लगी,
जज साहब ने बोला इंग्लैंड में चलता होगा ऐसे भाई, कुछ भी पैसे मांग लिए, कुछ भी बोल दिया। तो जज साहब ने बहुत ही खास बात बताई, जज साहब ने बोला इंडिया में ऐसे नहीं चलवे भैया, इंडिया में ये नहीं चलवे। तो हमने पूछा भैया इंडिया में की चलवे, तो जज साहब ने बोला भाई पेनल्टी की अगर बात करें तो देखो लिक्विडिटी डैमेज तो सिंपल है, वो नॉमिनल अमाउंट होता है। पेनल्टी की बात करें तो ऐसा भी पैसा मत ले लेना सामने वाले से कि सामने वाला बेचारा दे ही ना पाए और उसके बिल्कुल ही जेब पे लटक जाओ तुम, है कि नहीं बात। तो सबसे पहले जज साहब ने बोला पेनल्टी में कितना पैसा जाएगा, जज साहब ने बोला पेनल्टी में या तो पैसा जाएगा आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है और जितना तुम्हें क्या हुआ नुकसान हुआ, विच एवरेज अरे तो लेसेज हो गए, हायर कर दोगे तो बर्बाद नहीं हो जाएगा बेचारा, है ना। तो जितना कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है जितना तुम्हें लॉस हो विच एवरेज लेस। या जज साहब ने कहा एक और चीज से ऊपर मत चले जाना, जितना तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया लाखों करोड़ों रुपए, है ना, राइट, यानी कि तुमने पेनल्टी का दाम पहले से बता दिया कि भैया देख इतने पैसे लूंगा, लेकिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस उससे कम निकला, तो जज साहब ने कहा भाई जितनी पेनल्टी जितना कॉन्ट्रैक्ट विच एवरेज लेस। ठीक है, तो पेनल्टी अंग्रेजों के यहां होती होगी, तुम ज्यादा अमाउंट का क्या कर दो सर, क्या कर दो ज्यादा अमाउंट का पेनल्टी लगा दो, पर अपने यहां नहीं चौल भैया, अपने यहां नहीं चौल भाई है कि नहीं बात, अपने यहां क्या होगा सर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर मत जाना और पेनल्टी भी कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर नहीं जानी चाहिए और लॉस भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर, याद रहेगी बात। अब देखते हैं अगर ये वाली चीजें लगाएं तो क्या हमारे पेनल्टी क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है, है ना। अब जैसे एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, ये पढ़ो क्या लिखा है, इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में जो पेनल्टी है वो हाई अमाउंट की नहीं चलती, रीजनेबल कंपनसेशन आपको मिलेगा, क्या मिलेगा सर, रीजनेबल कंपनसेशन। पहला क्वेश्चन बताओ, बोलो जल्दी, हाँ एग्जाम्पल वन बताओ, अगर ये एग्जाम में आ गया तुम क्या लिखोगे, इन इंडिया देर इज नो डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेनल्टी एंड डैमेजेस, यानी 74 ये बोलता है अगर किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो पेनल्टी के नाम का तुमसे, है ना, तुम्हें लूटा नहीं जा सकता। अंग्रेजों के पेनल्टी में हायर अमाउंट लगता होगा, हमारे इंडिया में लिक्विडिटी डैमेजेस ही पेनल्टी जितने होंगे, पेनल्टी के नाम पर तुम ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला लिखवाया तो बताओ पेनल्टी कितनी है कॉन्ट्रैक्ट में 1,00,000 और तुम्हारे साथ धोखा कितना हुआ है, तो बताओ कितना ले सकते हो, या चलो यहां लिख दो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा यहां लिख सकते हैं पेनल्टी, पेनल्टी कितनी है 1,00,000, धोखा कितना हुआ तुम्हारे साथ, तो सामने वाले को लूट लोगे क्या, हैं, उसके बीवी बच्चे गहने सब बेच दोगे क्या, तो सामने का पागल हो रहे भाई, कितने मिलेंगे 70 मिलेंगे 1,00,000, चाहे तुमने कॉन्ट्रैक्ट में 1,00,000 पहले से क्यों ना लिख दियो, अरे लॉस से ऊपर थोड़ी लूट लेगा किसी को। अगला सवाल एग्जाम्पल ये वाला बताओ, मिस्टर नीडी, बताओ क्या 20,000 मांग सकता है वो, तो ये पेनल्टी हुई कि नहीं हुई, तो ये अलाउड नहीं है, कितने मिलेंगे 10,000 ही मिलेंगे, दिस इज द वे ऑफ पेनल्टी और ये अलाउ नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हें कितने मिलेंगे सर 10,000 ही मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, पेनल्टी और कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल टू बताओ, तो ये सही है ये वाली, ये बात सही लिखी है कॉन्ट्रैक्ट में, ये सही लिखी है सर, कैसे निकाला सर, पेनल्टी 10 कॉन्ट्रैक्ट भी, तो इससे ऊपर नहीं जा सकते तुम, ठीक है, दिस इज नॉट द पेनल्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्स, ये पेनल्टी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा सर, एनफोर्स रहेगा, बोलो समझ गए सर।
रिसेशन, रिसेशन मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी, यानी रिसेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, बोले पेंसिल, याद आया रिसेशन हमने पहले भी कहाँ पढ़ा था, जब ब्रेकअप पार्टी करते थे, है ना, तब भी हमने पढ़ा था नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, मर्जर ऑफ राइट, है ना, राइट, खुशी खुशी क्या कर लेना, ब्रेकअप कर लेना। तो वो सेक्शन 39 वो सिम यहाँ लिखा रिसेशन। यहाँ रिसेशन मतलब जब आप चाहो आपके साथ कभी भी धोखा हो तो ब्रेकअप पार्टी के अलावा भी आप अपनी मर्जी से धोखाधड़ी में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, तो बस, तो यहां आप गुस्से में कैंसिल कर सकते हो, वहां ब्रेकअप पार्टी में हमने खुशी खुशी कैंसिल किया था, ठीक है ना। अगर आपने यहां गुस्से में कैंसिल किया तो आपको क्या मिलेंगे, डैमेजेस मिल जाएंगे। वहां ब्रेकअप पार्टी में कैंसिल किया था खुशी खुशी तो डैमेजेस नहीं थे, पर रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना। तो सेक्शन 39 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ के देख लो क्या लिखा है, नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, अदर पार्टी सू एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन, रिसाइन मतलब खत्म, खत्म, गया, गॉन, है कि नहीं बात। एग्जाम्पल पढ़ लो जल्दी, सिंपल, खट्टा मीठा कुछ कह रहे हैं तुमसे, खट्टा था देख लो, उसने खट्टे ने सप्लाई नहीं किया, कर दी ना मीठे की जिंदगी खट्टी, कर दी ना खट्टे ने मीठे की जिंदगी खट्टी, यही है दुनिया भाई, क्या करें, अब मीठा क्या करेगा बेचारा, मीठा क्या करेगा, मीठा एंटाइटल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेज। अब तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये बात सेक्शन 75 ने में बोल दी, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, रिपुडिएट किया, तो सेक्शन 75 ये बोलता है वो हकदार है कंपनसेशन का, बात खत्म, है ना। यानी कि हमने कई बार देखा ना एमपी माइनस सीपी, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो बात सेक्शन 75 ने बोल दी, द पर्सन, जो भी बंदा जिसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है उसे कंपनसेशन मिलेगा, उसे क्या मिलेगा सर, कंपनसेशन मिलेगा। जल्दी पढ़ो, ये वही है वाका वाका वाली आंटी, वही वाला केस, है? तो कंपनसेशन मिलेगा ना, वो मुद्दा है कि आप कंपनसेशन के लिए एंटाइटल हो। अगली बात भैया, जो मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना। अब कुछ बच्चे बेचारे दिल पे ले गए बात, मैंने कहा अगले एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, पैसे ले लो वापस अपने, जितने भी बकाया हैं, दो ही तो बचे हैं छोटे छोटे से, है ना, पैसे ले लो अपने। अब एक बालक फैल गया, कह रहा पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा फिर बच्चे की जान लेगा क्या, बच्चे की जान लेगा तू, तो उसने क्या बोला, क्या बोला, नहीं, कह रहा हाँ बच्चे की जान लूंगा ना, वो कह रहा लड़ाई, वही तो लड़ाई करूंगा तो पैसे ले लेगा, कह रहा ना, मैंने कहा बच्चे की जान लेगा, कह रहा हाँ बच्चे की जान लूंगा। मैंने कहा क्या मतलब, क्या मतलब, कह रहा सर बच्चे की जान ऐसे लूंगा कि पैसे आपसे लूंगा नहीं, मैं कोचिंग आऊंगा, पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, कंधे पर लट जाऊंगा आपके, मैं पढ़ाना तो पड़ेगा। फैल गया वो, अब फैल गया तो पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाना पड़ेगा, जज साहब ने ये बोला, इसे बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यानी कौन सा गाना गाया बच्चे ने, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं निभाना ही पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना, निभाना पड़ेगा, निभाना ही मतलब बहाना मत बना देना, जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा। पीछे पड़ गया बेचारा बालक। तो जज साहब ने कहा जब बच्चा तुमसे पैसे ले नहीं रहा, ना उसे पैसे चाहिए, क्या मांग रहा वो, पढ़ाई, तो पढ़ाओ। मैंने कहा सर पैसे ले लो, डबल दिलवा दो, कह रहा ना डबल भी ना ले रहा मैं, क्या करो, पढ़ा दो। तो जज साहब ने बोला जब कई बार लोग दिल पे ले जाते हैं, जब डैमेजेस क्या नहीं बनते, हाँ जब डैमेजेस राहत नहीं बनते, है ना, बात समझ में आई ना, जब दर्द दवा नहीं बनता, जब मोहब्बत दवा नहीं बनती, है ना, तो खूनी मंजर शुरू होता है कि नहीं बात। जज साहब ने बोला अब सर आपकी मोहब्बत क्या नहीं बन रही बच्चों के लिए,
आपका पैसा दर्द दवा नहीं बन रहा है। अब तो भैया जो बच्चे कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, आपको पढ़ाना। बच्चों ने खेलते थे ना, बच्चों ने पोसंपा भाई पोसंपा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो जज साहब ने पोसंपा खेल लिया, अब तो जेल में आना पड़ेगा, आपको पढ़ाना। अब कुछ नहीं कर सकता मैं। तो जज ने क्या बोल दिया, डिफॉल्टिंग पार्टी मैं, अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करना पड़ेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई और काम कर ही नहीं सकते। समझ आगे बात। तो जो वादा किया वो, हाँ। अब एक तुम में से एक बालक और भी ज्यादा होशियार, पता क्या बोल रहा है, कह रहा भाई तूने तो कह दिया मास्टर जी से, तूने तो कह दिया मास्टर से पढ़ाना पड़ेगा पढ़ाना पड़ेगा, तुझे लगता है वो दिल से पढ़ा देंगे हैं? लगता है बस आएंगे खाना पूर्ति पूरी करेंगे, है ना, तुझे समझ में आए ना आए, उन्होंने कह दिया मैं तो चैप्टर, मेरे तो हो गया चैप्टर, बात खत्म है कि नहीं बात। सिलेंसर आए, देखो देखो ये ऐसे करना है, घर कर लेना। लॉ वाले मास्टर आए, देखो देखो ये पढ़ना है ना भाई, लॉ तो भाई समझ में ना आ जाए, अकाउंट तो फिर भी झेल लें हैं। तो दोस्त कह रहा है यार कह तो सही रहा है, अब कल को देखियो, तू कल को देख लियो, पढ़ाना ही पड़ेगा पढ़ाना ही पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाने पड़ेगा, कल को देख लियो कैसे निभा लेंगे वादा। तो उसे लगा सही कह रहा भाई, ढंग से ना पढ़ाने के, है ना, आएंगे और हाँ घिसा पट्टी करके चल देंगे। तो कह रहा दूसरा भाई, दूसरा दोस्त कह रहा भाई क्या करें फिर, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, वाह बोल रही वाह, क्या करें फिर। उसने कहा भाई नया हथियार लाया हूँ मैं तेल लिए। कहने लगा क्या, कह रहा सर आप हमें नहीं पढ़ाना चाहते ना मत पढ़ाओ, लेकिन जो समय हमारा पढ़ने का है लॉ के क्लास का टाइम, मतलब जैसे हमारा टाइमिंग हो गया मान लो 11 से 2, 11 से 1 हो गया मान लो, है ना, लेट से ना, जो भी हमारा टाइम है भैया 11 से 1 बजे तक का, 12 से 1 बजे तक का, आप हमें पढ़ाओ ना पढ़ाओ हैं ना, आके भी बैठो ना बैठो, आप दुनिया में इस समय में कहीं नहीं पढ़ा पाओगे। मैंने कहा ऐसे कैसे कर देगा भाई, नहीं ऐसे कैसे कर देगा, मैं तो दिल्ली में जाऊंगा पढ़ाने, है ना, मैं तो महाराष्ट्र जाऊंगा पढ़ाने, बोल क्या कर लेगा। वो कह रहा है ना देख लेना। तो बच्चा ये बात कोर्ट से लिखवा लाया, कहां से लिखवा लाया, कह रहा जज साहब इंसाफ चाहिए इंसाफ। तो जज साहब ने कहा इंसाफ मिलेगा बराबर मिलेगा, बोलो क्या चाहिए। तो बच्चा इतना निकम्मा, वो पता क्या लिखवा लाया कि लिख दो इस समय पर अगर हमें नहीं पढ़ाओगे तो दुनिया में नल्ले बैठोगे, नल्ले विभूति भैया के तरह नल्ले, है ना, नल्ले बैठो। बच्चा कोर्ट से लिखवा लाया और कोर्ट में जज ने ऑर्डर भी दे रखा है अगर यहां ये नहीं पढ़ाया तो दुनिया में फिर मैं क्या सोचूंगा, मैं इससे बढ़िया पढ़ाई देता, 2-4 पैसे तो कमाता, अब खाली तो बैठा हूं, है कि नहीं बात। इसे बोलते हैं स्विट फॉर इंजंक्शन, क्या बोलते हैं, और इसे आम आदमी की भाषा में बोलते हैं स्टे ऑर्डर, क्या बोलते हैं, स्टे ऑर्डर सुना है ना, रोक लगा देना, रोक। तो स्विट फॉर इंजंक्शन इज द कोर्ट स्टे ऑर्डर, रोक लगाना, क्या रोक लगाना, हाँ कि भैया रोक लगा दी यहां नहीं तो, तो हिंदी में क्या लिखेंगे जो मैंने लिख के दिया नोट्स में, यहां नहीं तो कोर्ट प्रोहिबिटेड द पर्सन, कोर्ट रोकेगा उस काम को करने से, कोर्ट क्या रोकेगा आपको को काम करने से, यहां नहीं तो। नहीं हाँ फिर समझौता कर लिया तो बात अलग है। अब जैसे पढ़ के देखो ये वाला केस कि भैया सारी की सारी बिजली किससे लूंगा मैं, बिजली कंपनी से, और उसने मना कर दिया तेरे से नहीं कर ला कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या लिखवा रहा है बिजली कंपनी वाला कि मुझसे अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा दुनिया में किसी और से भी नहीं खरीदेगा, है कि नहीं बात। ये वाला पढ़ो लूमली वर्सेस बेंजर, यहां गाना ना गाएगा तो कहीं भी बोलो नहीं गाएगा, समझ गए ना बात। तो ये बदला लेने का अलग तरीका हुआ। और भैया आखिरी में आता है स्विट फॉर क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट बहुत आसान, हिंदी में लिखेंगे जितना काम, हाँ जितना काम उतना, भाई मैंने मान लो तुम मुझसे लड़ लिए, नहीं पढ़ रहे, मैं भी कहा नहीं पढ़ा रहा,
तो मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं? अब भाई जितना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उतना तो पैसे देगा। तो जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है। जज साहब ने इसको अंग्रेजी में बोला एज मच एज यू अर्नड, एज मच एज इज मेरिटेड, जितना तुम कमाओगे उतना पैसा तुम्हें मिलेगा, है ना? ये लिखी बात, यू हैव द राइट टू क्लेम द कंपनसेशन, यू हैव द राइट टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर द वर्क ऑलरेडी डन, जितना काम तुमने पूरा किया हुआ है ना। जल्दी से एग्जाम्पल पढ़ लो, चैप्टर खत्म, खेल खत्म। मेरा एग्जाम्पल है भाई, अंकुर अग्रवाल को बताओ कितने पैसे मिलेंगे? है ना, उतने तो मिलेंगे, ये निकम में तो चाहते ना मिले, है ना? बोली ना रे कुछ है, बताओ। इट वॉज हेल्ड दैट अंकुर अग्रवाल कुड क्लेम पेमेंट फॉर द वर्क ऑलरेडी पब्लिश। अब जितना काम कर दिया मैंने ईमानदारी से, और तुम्हारा फायदा भी हुआ उससे, तुम्हारी मैगजीन में काम भी छपा, अबे तो कम से कम उतने तो पेमेंट दे दो यार। तो जितना मैंने ईमानदारी से तुम्हें पढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट तुमने समझ लिया, कम से कम उतनी तो फीस दोगे, भले क्या कहते हैं हम क्या कर दें आगे ना पढ़े, तो कम से कम इतना तो लिहाज करोगे। बात समझ में आई? राइट, सेम बात लिखिए, जितना काम उतना दाम आपको मिलेगा डैमेजेस के अलावा, है कि नहीं बात? अगर तुमने मना किया तो एक तो तुमसे मैं डैमेजेस लूंगा, और साथ में अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दे तो उसका तो पैसा लूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का भी पैसा दोगे और डैमेजेस। शुरू हो जाओ टकाटक, पहले का सी, बिल्कुल सही। अबे एंटीसिपेटरी चांटे बजा दूंगा, एंटीसिपेटरी बीच क्या होता है, बिफोर, पढ़ के ना हो गया घर से इतना भी। दूसरा बोलो, चांटा बच जाएगा। मैं प्रायर टू ड्यू डेट लिखा है, कल फंदा लाऊंगा, लटकोगे तुम भी और मैं भी। तुम लटको ना लटको, मेरे लटकने की नौबत आ रही है भाई, और तुम्हारे नाम पे चिट्ठी लेके जाऊंगा, दे लेना अपने पेपर, तुम्हारे पे इल्जाम लगेगा मास्टर के आत्महत्या का कारण ये है। बताओ यार, एग्री पार्टी के ऑप्शन है, हाँ, या तो कयामत के इनका इंतजार कर ले भाई, यही तो था कंगना के पास, या तो कयामत के इनका इंतजार कर ले तू भाई बहन, बाकी वरना अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ले। फोर, अरे मस्ट नहीं, नन ऑफ द अबव, मस्ट कैसे, मस्ट कंपलसरी थोड़ी लिखा है, मे लिखा है, मर्जी है तुम्हारी, तुम लुटवाओगे भाई। पांचवा, हाँ सही, बिल्कुल, अगर एसेंस है, टाइम अगर एसेंस है, पुराना एक दो चैप्टर पहले टाइम और प्लेस वाला पढ़ा था, तो टाइम से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? चांटा बजाओ तुम्हारे, अरे जयमाला वाला टाइम पे नहीं आया तो तुम्हारी दिल बड़ा है तुम्हारा, तुमने कहा कोई बात नहीं फोटोग्राफर है यहीं शूट कर लेते हैं, फिर गलती कर रहे हो पढ़ाने के बाद भी। सातवां, कैन क्लेम कंपनसेशन इफ यू गिव नोटिस, है ना? ये क्या है, स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है, याद रखना है।
आठवां बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस ये छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि तो केस के नाम है ना, लेकिन तुम जान लोगे। हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल था, छोड़ देना चाहे ना, क्योंकि केस के एग्जैक्टली क्वेश्चन आने मुश्किल है ना। ये तो बता दोगे हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल किसके लिए था, बोलो। हाँ है ना, कितने डैमेजेस के, अरे हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल तुमने कहाँ पढ़ा था, डैमेजेस में तो पढ़ा कि तुम्हें स्पेशल डैमेजेस के लिए नोटिस देना पड़ेगा, तो डैमेजेस वाले चैप्टर के लिए तो था ये। हाँ बी लगाया। ग्यारहवां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अभी पढ़ाया, हिंदी बोलते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही कि भैया आपको अपना प्रॉमिस पूरा कर दो सर, पैसा मत दो। बारहवां ट्वेल्थ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा, कब लगाओगे? अच्छा अरे एडुकेट रेमेडी है तो फिर क्यों लगाओगे, जब तुम्हारा पैसा, जब दर्द दवाना बने। ई नन ऑफ द अबव, भाई पर्सनल नेचर में कैसे हो जाएगा, फिर जब तुम्हारा पैसा तुम्हारी रेमेडी ना बन पाए, तुम कह रहे हो पैसे की कीमत ही नहीं है सर, यहां पैसे की कीमत है ही नहीं है। ये अब तुमने सही बोला, जब पैसा तुम्हारी तसल्ली ना कर पाए तभी तुम कहोगे पैसा मत दो सर पढ़ा दो, है ना। अब 2-4 हजार रुपए एक्ट के लिए क्या करेंगे, पढ़ाओ हमें। 14 है ना, नॉट टू डू है ना। 15 सही बी बिल्कुल, स्विट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन बोले तो यहां नहीं तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आते हो ना कि भैया पढ़ाना मत कहीं और। 16 सही बिल्कुल, इसका भी है सही बिल्कुल। 18 हाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस, कहीं तो लिखवाया एमपी माइनस सीपी। 19, 20, 21, 22 बिल्कुल सही, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। 20 नहीं, कैन नॉट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट, राइट नहीं है तुम्हें, तुम्हें नोटिस देना पड़ता है, याद रखना ये बात। इसमें बच्चे गलती करते हैं बहुत। 21 हाँ, कोई लॉस नहीं है किसमें, अब एक ढक्कन में तुम्हें क्या लॉस हो जाएगा है, कैसे कैसे चलेगा। 22, 23, 24 मतलब 23 बैंकर ने अंबानी एग्जेम्पलरी है ना, बैंकर चेक डिसऑनर कर रहा है, बैंकर बैंकर की गलती, पेनल्टी अभी बढ़ा है। 8 पेनल्टी फेयर थोड़ी होती है, पागल हो रहे हो। हाँ बी डिसएप्रोप्रिएट ऑफ द डैमेजेस, डिसएप्रोप्रिएट, डिसएप्रोप्रिएट मतलब जो एप्रोप्रिएट ना हो, आर्बिट्रेली रैंडम कुछ भी मांग लिया है ना, राइट भाई ये तो हो नहीं सकता, नॉर स्पेसिफाई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बताया जाता है, है ना, और नॉट एनफोर्सेबल कैसे, एनफोर्सेबल इंडिया में, बस पेनल्टी का प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर या लॉस से ऊपर नहीं ले जाने देंगे, अभी तो लिखवाए फॉर्मूले। 25, 26, 27, 28
सोच लो, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल कंपनसेशन इज नॉट एक्सीडिंग स्पेसिफिक सम। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी विच एवर इज हायर, है ना। ये कैसे पढ़ लिया तुमने? लिक्विड डैमेजेस और पेनल्टी हायर कैसे हो जाएगा भाई? मतलब लिक्विडिटी डैमेजेस 1,00,000, पेनल्टी तुम्हें मैंने लगा दी 10 करोड़ की, 10 करोड़ दे दोगे? हायर कैसे हो जाएगा भाई? और हायर कैसे हो जाएगा भाई, समझ रहे हो बात को? हायर तो तुमने, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया भैया मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लॉ 10,000 रुपये में, मैंने कहा अगर तुमने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो पेनल्टी लेगी 10 करोड़, अरे तो विच एवरेज हायर कर दोगे? क्या लिखवाया था मैंने? विच एवरेज लोअर लिखवाया था ना, तो कम से कम यार हायर 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 से पता लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता। छब्बीस को बताओ, सोच लो, विच इज नॉट द पेनल्टी? ए ब्याज पेनल्टी थोड़ी होता है, पेमेंट ऑफ कंपाउंडर्स ऑन डिफॉल्ट ऑफ सेम रेट एज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भैया तुमने पैसे लेट दिए तो मैंने क्या मांगा? बैंक ब्याज नहीं मांगता एक्स्ट्रा, तो वो पेनल्टी थोड़ी होती है, वो डैमेजेस होते हैं नॉर्मल, है ना। हायर रेट पेनल्टी है, तुम्हारी सिक्योरिटी जब्त कर लेंगे ये पेनल्टी है, तो ध्यान समझना। 27 बताओ, गलत जवाब डी, हाँ ऑल ऑफ द अबव। अरे जर्नली द फॉलोइंग डैमेजेस आर नॉट रिवो, ये क्या लिखा है? रिकवरेबल आएगा, हाँ कौन सा इसमें से जर्नली रिकवर नहीं होता बताओ? रिमोट और नॉमिनल में से तो बेस्ट आंसर क्या लगता है? रिमोट डैमेजेस कौन से होते हैं? बीमार होने वाले, है कि नहीं बात? कि तुमने मुझे भैया गलत जगह पे छोड़ दिया जिसकी वजह से बीमार हो, अरे बीमार उसके लिए थोड़ी होगी तुम, है ना। तो रिमोट डैमेजेस रिकवर नहीं, याद आ गई बात? मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें 10 लग गए तो पैसा मैं भरूंगा तुम्हारे, बता ना भाई मेरे पढ़ाने से क्या लेना देना। 29 नहीं, वो सही कह रहा मुन्ना, डी होगा। थर्टी डैश डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ तुमने इस नाम के डैमेज पढ़े तो ये तो यार आसान बात है। और मुन्ना मुन्नी 31, 32, 33 हाँ, ये डिफरेंट अलग अलग रेमेडी तो है और इन दे प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट भी देते हैं। क्यों? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में तुम्हें क्या मिलेगा? मैं पढ़ाऊंगा। इंजेक्शन में क्या है? मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो दोनों अलग रिजल्ट है, दोनों अलग डैमेज है। 32 हाँ, क्यों डी क्यों? सच ढूंढना है, सच पहला भी सच है, सच है पहला नहीं। फ्री कंसर्न इज नॉट इम्पोर्टेंट, अच्छा फ्री कंसर्न इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, चैप्टर पढ़ा है हमने। बी सेम होता है, बेल ब्रीच अलग अलग होते हैं भैया। कॉन्सेप्ट ऑफ डैमेज अलाउ ओनली टू मेक गेन प्रॉफिट, गेन मतलब प्रॉफिट, तो डैमेज से तुम्हें प्रॉफिट मिलता है? नहीं भाई, डैमेज से तो बस हर्जाना मिलता है और कई बार तो डैमेजेस पूरे भी नहीं मिलते। तो आंसर क्या होगा? सारे ही इनकरेक्ट हैं। 33 रेमेडी अवेलेबल बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर, हाँ ये पढ़ा हमने, एक्स्ट्रा फीस वाली बात पढ़ी, लेकिन क्या पढ़ा हमने कि ये एक रेमेडी है। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।